हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के इस कंटेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी में जो 60 वायु सुरक्षा अधिकारी, ठीक है, इसके लिए जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। और देखेंगे पदों की संख्या 60 है, वेतन मैट्रिक स्तर 10-11 है, मतलब अच्छी खासी सैलरी है। और योग्यता रखी गई है बी बीटेक एमएससी वगैरह जो उसके रिगार्डिंग फील्ड है। अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा उसके अलग अलग जो पद हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चाहिए उसके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और देखते हैं कितना है क्या है। इससे पहले मैं बता दूं, एससी एसटी पीएच और महिला उम्मीदवार के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन का मोड ऑनलाइन है जैसे जनरली होता है, और जनरल ओबीसी के लिए ₹25 है मात्र, ठीक है। और देखेंगे हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट में और क्या क्या जानकारी दी गई है। तो मैं आपको ये, आप चाहें तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस चीज़ को वैकेंसी नंबर मैं बता देता हूँ 21/2018 को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वही वैकेंसी है। और इसका रखा गया है 13 दिसंबर 2018 लास्ट डेट। देखिए यहाँ जो वैकेंसी नंबर ये फर्स्ट है दिए गया है, इसमें एसटी के लिए एक पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट और जनरल के लिए 12 पोस्ट है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो ये फिलहाल मैं इस जो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस पीडीएफ को आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर लें अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल देख क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, रिक्वायरमेंट को डिग्री इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग फॉर्म अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास ये है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे जो नेसेसरी जानकारी दी गई है उसको आप रीड कर लें सेल्फ से, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। वैकेंसी नंबर दूसरा दिया गया है देखिए यहाँ पर, ठीक है, और इसमें रखी गई है एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट और ओबीसी के लिए 8 पोस्ट और जनरल के लिए 19 पोस्ट। ओके फ्रेंड्स, लेवल 11 का है ये पे मैट्रिक्स, और एज रखी गई है 40 साल। क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल और मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ऑफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एरोनॉटिक्स और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस और मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक, और बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एज सब्जेक्ट विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बहुत सारे कंडीशंस लगाई गई हैं, अगर आप इस कंडीशंस को फॉलो करते हैं, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वालिफिकेशन है जो अभी मैंने आपको रीड करके बताया, और आप एक बार खुद से और रीड कर लें ताकि किसी प्रकार कोई डाउट ना हो, तो अभी जो मैंने बताया कहा, अगर आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट से आपने एक कोर्स किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, और भी जो जरूरी जानकारी है यहाँ लिखा हुआ है उसको आप रीड कर लें, यहाँ नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप रीड कर लें। अगर हम थर्ड वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे स्केल इसका भी 11 है, बहुत अच्छी जॉब सैलरी वाली जॉब है। एज 43 इयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। और ओबीसी के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रखा गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे। और आगे चलते हैं, हम एक्सपीरियंस की भी बात की गई है, इसको आप रीड कर लें, 5 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन द फैक्ट्री, तो ठीक है, इसका रीड कर लें आप जो एक्सपीरियंस दिए गए अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। अगर आगे चलने वैकेंसी की बात करें, केमिस्ट की है, तो यहाँ देखिए यहाँ 6 एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, एससी के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और जनरल के लिए 4 पोस्ट है। ओके, और क्वालिफिकेशन की बात करें, 35 साल इसका रखा गया है, ठीक है, और लेवल 10 का है ये 7th CPC के अनुसार। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास है डिग्री तो फिलअप कर सकते हैं। द इक्विवेलेंट वुड बी डिफाइंड एज अंडर इक्विवेलेंट डिग्री टू एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री इन एमएससी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक्सपीरियंस की भी बात की, थ्री ईयर एक्सपीरियंस इन द केमिस्ट एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेवेंट डाटा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये चीज़ हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीन। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA थ्रू ORA वेबसाइट, देखिए यहाँ 11:59 रात की बात की गई है, ऑन 13/12/2018। अगर 13/12/2018 के रात 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू यहाँ 11:59/14/12/2018 तक है, ठीक है, प्रिंटिंग करने के लिए। तो ये और भी जरूरी जानकारी है यहाँ पे, और जो कि जनरली UPSC के रूल्स में रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं वो सभी इसमें फॉलो होंगे। STSC OBC और महिला कैंडिडेट और PH के लिए, उन लोग के लिए छूट में भी, आयु में भी छूट मिलेगा, उम्र में छूट मिलेगा उन लोग को। और upscOnline.nic पर आप जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे जनरली मिलेगा STSC को 5 years और OBC के लिए 3 years। ओके, अगर वो हैंडीकैप है तो उसको और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और हम चलते हैं कुछ और जरूरी जानकारी की। अगर आप हैंडीकैप हैं तो 40% होना चाहिए कम से कम आपका हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट है वो। और जैसे सिटीजन के रिगार्डिंग भी यहाँ दिया गया है और इसको आप रीड कर लें। जो जनरली UPSC का रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है वही है इसमें। और हम बात कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट थिंग वगैरह यहाँ दी गई है, ठीक है, यहाँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है तो इसको आप रीड कर लें, जिसमें 100 marks का, देखिए मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग ये चीज़ है, तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ के खुद से कितना कितना नंबर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अब इसको आप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी वही मैं पहले ही बता चुका हूँ और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो UPSC में जो लगती हैं वही रूल्स रेगुलेशन हैं। और हाउ टू अप्लाई, ये सब सारी चीज़ों को रीड करने के बाद आप अच्छी तरह से फॉर्म को भर दें 13/12/2018 तक। ओके फ्रेंड्स, वही उसका लास्ट डेट है और जो अदर इंस्ट्रक्शन है आप बड़े ध्यान से पढ़ते हुए इसको फॉर्म को भरें। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली UPSC की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेल का घंटा जरूर दबाएँ ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स।